नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक ड्यूल मॉस्फेट है ना। ये रैम सेक्शन का है, रैम सेक्शन का कोयल है, वो हमें फुल शॉर्ट दिखा रहा था है ना। तो हमने मॉस्फेट खोला तो भी शॉर्टिंग नहीं किया, रैम आईसी खोला तब जाके शॉर्टिंग किया। इट मीन्स आईसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो जब कभी भी आईसी खराब होता है तो आपको मॉस्फेट चेक करना जरूरी हो जाता है ना, या फिर आप उसके साथ नया मॉस्फेट लगा दें तो ज़्यादा बेटर होता है ना। चलिए इस ड्यूल मॉस्फेट को हम किस प्रकार से टेस्ट करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। जो हमारा नॉर्मल मॉस्फेट होता है ना, ठीक उसी प्रकार से हमें काम करना है यहाँ पर। जैसे हमारा जो सिंपल मॉस्फेट के अंदर हम तीन लेग को जानते हैं है ना, यही हमारा तीन लेग होता है मॉस्फेट के अंदर। और ड्यूल मॉस्फेट का मतलब दो मॉस्फेट को जोड़ के बना दिया है ना। ऐसे ही नीचे हमारा दूसरा मॉस्फेट आ जाएगा है ना। ये हमारा ऊपर क्या होता है, हमारा ड्रेन होता है D1, ये हमारा गेट होता है G1, और ये हमारा सोर्स होता है S1। इसी प्रकार से इसके लिए हम G2 है ना, D2, G2, S2 यूज कर लेंगे। और इसका क्या होता है, सोर्स इसके ड्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, और ये आगे हमारा कोयल वोयल सर्किट लग के हमारा स्विचिंग सर्किट बन जाता है। अभी हम इसको जब चेक करते हैं तो ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या होता है, हमारा डायोड होता है ना। ये डायोड की सिंबल होती है, ड्रेन और सोर्स के बीच में डायोड होता है, यही हम टेस्टिंग करते हैं इसके अंदर। जब रेड प्रोब इधर होता है और ब्लैक प्रोब इधर होता है ना, तो हमें क्या है, रीडिंग मिलता है। और प्रोब को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो हमें रीडिंग नहीं मिलता है, या एक हाई रीडिंग पे वो पहुंच जाता है, तो उसको हम कंसाइडर नहीं करते हैं है ना। बहुत से मल्टीमीटर के अंदर ये ओवर लिमिट पे पहुंच जाता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि और जब हम गेट को चार्ज कर देते हैं तो ड्रेन टू सोर्स ये शॉर्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से फिर वापस फिंगर रख के हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, इस तरह से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसको करते हैं क्लियर। अभी देखिए ये हमारा, हम समझ रहे हैं तो 19 वोल्ट की साइड पे कनेक्टेड था, तो ये इसका ड्रेन हुआ है ना। ये बीच वाला पार्ट है, तो ये नीचे वाले का तो ड्रेन है ना, और ऊपर वाले का सोर्स है ना। ये ग्राउंड से कनेक्टेड था, तो ये नीचे वाले का सोर्स हुआ S2, ये S1, ये D2, ये D1। इसी प्रकार से ये जो बन रहा है हमारा गेट है ना, ये G1 हो सकता है और ये G2 हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, वो हमें देखना रहेगा है ना। इस मॉस्फेट के बैक साइड पे नंबर लिखा हुआ, आप उसको गूगल करके भी इसका डेटा शीट ले सकते हैं, ये कैसे डिज़ाइन है। फिर भी हम इसको चेक करते हैं, तो हमारा ये ड्रेन और सोर्स इसके बीच में हमें डायोड मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज पे कर लिया है वीप रेंज से। तो डायोड का पोजीशन अगर ड्रेन टू सोर्स होता है तो हमारा पी चैनल होता है, और सोर्स टू ड्रेन होता है ना, सोर्स से ड्रेन की तरफ होता है, तो हमारा एन चैनल की मॉस्फेट होती है। और स्विचिंग सर्किट में आप जानते हैं हमारे एन चैनल की मॉस्फेट का यूज होता है ना। तो सोर्स पर तो मैं क्या करता हूँ, रेड प्रोब को रखता हूँ। ये देखिए ये मेरा रेड प्रोब है ना, और ये जो मेरा ब्लैक प्रोब है ये है ना, इस ब्लैक प्रोब को मैं रखता हूँ ड्रेन पर। तो देखिए मुझे यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है 0.503, मतलब मुझे रीडिंग मिला यहाँ पर। यहाँ तो मैंने रेड प्रोब रखा और यहाँ पर मैंने ब्लैक प्रोब को रखा है ना, तो इन दोनों के बीच में मुझे डायोड मिला इस प्रकार से। तो डायोड का पोजीशन सोर्स से ड्रेन की तरफ है, जब सोर्स से ड्रेन की तरफ होता है तो एन चैनल होता है, और यहाँ पर मेरा रीडिंग आया 0.503 है ना। तो मुझे डायोड का, अब मैं प्रोब को रिवर्स करके देखूंगा। देखिए ये मैंने प्रोब को रिवर्स किया, मेरा रेड प्रोब है, अभी मेरे सिस्टम पे मेरे मल्टीमीटर पे 0L, मतलब कोई रीडिंग नहीं है। तो ये सही है, रिवर्स करने पे 0L मेरे मल्टीमीटर में जो शो हो रहा है, मतलब कुछ रीडिंग नहीं है
अभी हमारा D1 S1 पता लग गया। अगर ये G1 है तो गेट को हम चार्ज करते हैं, तो इस ब्लैक प्रॉप को तो हम यहाँ पर रखते हैं है ना, ड्रेन पर, और इसके गेट को चार्ज करते हैं। अभी रीडिंग को चेक करते हैं है ना। ये मैंने प्रॉप को यहाँ रखा, यहाँ रखा तो मल्टीमीटर पे देखिए 0.000। प्रॉप को रिवर्स भी करके देख लेते हैं, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है ना। अब मैं इसको फिंगर से टच करता हूँ है ना, इसको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, फिंगर को हटाता हूँ। अब चेक करते हैं वापस, मैं रेड प्रॉप को तो यहाँ रखता हूँ, ब्लैक प्रॉप को यहाँ रखता हूँ, तो 0.510 ये मेरा रीडिंग आ रहा है, 0.510 आ रहा है। पहले 503 था, अभी 510 आ रहा है, मतलब ये पहले कुछ हद तक चार्ज होगा, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं था। तो ये G1 है हमारा। अब आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो ड्रेन टू गेट है ये शॉर्ट तो नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, सोर्स से गेट का कोई रीडिंग नहीं है। अभी देखिए कुछ देर के लिए चार्ज हो गया, जब गेट पे रखा तो अभी रीडिंग 0.0 से ऑयल हो गया है ना। प्रॉप को रिवर्स किया, अभी चार्ज है, ये डिस्चार्ज किया, अभी कोई रीडिंग नहीं है। अब प्रॉप को रिवर्स किया तो मेरा रीडिंग आने लगा 510 है ना। तो इट मीन्स हमारा ये अपर साइड का जो मॉस्फेट है वो तो ओके है ना। अब नीचे वाले मॉस्फेट को भी चेक करना है हमें, तो नीचे वाले मॉस्फेट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका ड्रेन होता है और ये इसका सोर्स होता है ना। तो देखिए कोई रीडिंग नहीं है। अब प्रॉप को करेंगे रिवर्स, तो देखिए ये मुझे रीडिंग मिल रहा है 0.151, 0.151 ये रीडिंग मिला मुझे, जब मैंने रेड प्रॉप को तो यहाँ पर रेड प्रॉप को मैंने सोर्स पे और ब्लैक प्रॉप को ड्रेन पे, तो 151 रीडिंग आ रहा है ना। इसको भी चेक कर लेना है कि ड्रेन टू गेट, अभी गेट हमारा देखिए नीचे के 3 पॉइंट ये एक साथ है कनेक्टेड, ये देखिए 0.0, ये तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है ना। ये इसका गेट है ये वाला, तो गेट के साथ एक बार देख लो, कोई रीडिंग नहीं है। एक बार सोर्स और गेट को हम देख लेते हैं, कोई रीडिंग नहीं है। अब इसको चार्ज करते हैं हम है ना। ब्लैक प्रॉप को तो मैंने इसके ड्रेन पे रखा और ये इसके गेट पर रखा, अभी प्रॉप को लगाते हैं। तो देखिए अभी 0.0 रीडिंग है ना। अब इसको करते हैं डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कर दिया है, अभी रीडिंग देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं है। प्रॉप को रिवर्स किया तो देखिए 0.151 है ना। तो इट मीन्स ये हमारा ड्यूल मॉस्फेट ओके है। तो इस प्रकार से हम ड्यूल मॉस्फेट की टेस्टिंग करेंगे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।